जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन द सक्सेस सीकर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 की मदद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बोला गया है कि जितने भी स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, या वो ट्रू हैं या फिर वो फॉल्स हैं, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमको बोला गया है कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्या वो सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो इसको चेक करते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन से। रियल नंबर की डेफिनेशन ही हमारी क्या होती थी, ये एक ऐसा कलेक्शन होता था जिसके अंदर सभी हमारे इरेशनल नंबर आते थे और सभी हमारे इरेशनल नंबर आते थे। तो इसमें हमने देखा, आपको स्टेटमेंट में बोला गया था जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं, और हम इसके अंदर देख भी पा रहे हैं कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर थे वो सभी रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ट्रू, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो हमको क्या बोला गया है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, क्या वो हमारे अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहां पर एम हमारा एक नेचुरल नंबर होता हो। तो इसको थोड़ा डिस्कस करने के लिए, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल की मदद लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स यहाँ पर जब लोगे, तो ये आपके जब सॉल्व होंगे, इनकी जब आप वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट से जब आप इनको बाहर निकालोगे, तो कुछ नंबर हमारे ऐसे होंगे जो कि आपके नेचुरल नंबर निकल के आएंगे, और कुछ नंबर हमारे ऐसे होंगे जो कि डेसिमल फॉर्म में निकल के आएंगे। लेकिन ऑल ओवर जब आप उनको देखोगे, तो आप उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस तरीके के नंबर्स की, जैसे कि मैंने लिया अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, और इसी तरीके से कोई भी नंबर जब आपने लिया, तो इन नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा इनमें से कुछ नंबर हमारे रेशनल थे और कुछ नंबर हमारे इरेशनल थे, इनको आप नंबर लाइन के ऊपर कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, हमको बोला गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमको बोला गया है कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्या वो सभी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। याद रखिए यहाँ पर एवरी बोला गया है, तो क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर बेसिकली हमारा एक कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसको देखा था, इसका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, यानी कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट हमको कह रहा है कि रियल नंबर के अंदर केवल और केवल इरेशनल नंबर ही आते हैं, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। हम ये नहीं बोल सकते कि सभी रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ रियल नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो कि इरेशनल, और जो बचे हुए कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, वो हमारे होते हैं रेशनल। लेकिन इसमें इसने एवरी वर्ड जब लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हमें बोला गया है कि जो हमारे स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सभी हमारे इरेशनल होते हैं। तो चलिए पहले इसी पार्ट को चेक करते हैं कि क्या इसने सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अंडर रूट 2 को लिया, तो आप जानते हो जो अंडर रूट 2 होता है वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। इसी तरीके से जब मैंने अंडर रूट 3 को लिया, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। यानी कि जो अभी ये स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ था वो अभी तक हमारा फॉलो कर रहा है, अभी तक वो एकदम करेक्ट है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अंडर रूट 4 को ले लेता हूं, तो इसका आंसर मेरा निकल के आने वाला है 2, जो कि इरेशनल नहीं होता, जो कि हमारा होता है रेशनल। तो इसका जो स्टेटमेंट था वो हमारा यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल को देखने के बाद में हो चुका है फॉल्स। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारा नो।
नेक्स्ट पार्ट में इसने हमको बोला है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, तो बोला गया है कोई आप एक ऐसे एग्जांपल को दीजिए, एग्जांपल बताइए जिसका स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल ना होता हो, रेशनल होता हो। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख चुके हैं, अंडर रूट फोर को हमने लिया, स्क्वायर रूट ऑफ फोर को हमने लिया, जिसका आंसर हमारा टू निकल के आया था और जो कि एक हमारा था रेशनल नंबर। इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिया नाइन, तो नाइन हमारा एक देखा जाए तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो थ्री निकल के आएगा, और थ्री हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब एग्जांपल आप इस तरीके के कोई भी ले सकते हो, किसी भी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता हो, जैसे कि फोर हो गया, नाइन हो गया, आप यहाँ पर 25 ले सकते हो, 36 ले सकते हो, 49 ले सकते हो, ये नंबर हमारे एग्जांपल्स होंगे इस वाले पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमें बोला गया है सो दैट हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि अंडर रूट फाइव को हम किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, वहां पर हमने इसको बहुत डिटेल में सीखा था, एक बार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था तो एक नोट पॉइंट हमने वहां पर लिखा हुआ था जो कि हमारा था कि आपको किसी भी नंबर को जब रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उससे एक कम नंबर को रिप्रेजेंट पहले करना पड़ता है। जैसे कि अगर मुझे अंडर रूट 10 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको पहले अंडर रूट 9 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अंडर रूट 13 को करना है तो पहले आपको अंडर रूट 12 को करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको अंडर रूट 4 को, यानी कि अगर मेरा n की वैल्यू यहां पर 5 है तो आपको अंडर रूट n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 अंडर रूट 4 को रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने जैसे स्टेप्स में, हमने इस सॉल्यूशन को डिवाइड किया था लास्ट वीडियो में, इसी तरीके से अभी भी हम इसके स्टेप सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर वन के अंदर हम देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को, और हम यहां पर एक स्क्वायर को एज्यूम करने वाले हैं जिसकी साइड को मैंने माना हुआ है अंडर रूट फोर, इसके बेस को मैंने माना अंडर रूट फोर, मैंने एक स्क्वायर को एज्यूम किया, उसके अंदर एक डायगोनल को बनाया। जैसे ही मैंने डायगोनल को बना दिया, ये स्क्वायर जो हमारा था वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें सिर्फ यहाँ पर जो मतलब है वो सिर्फ इस वाले ट्राइंगल से है, और इस वाले ट्राइंगल को जैसे ही मैंने लेंथ को कुछ एज्यूम किया तो मैंने क्या किया, क्या देखा यहाँ पर कि इसकी लेंथ को अगर मैं मानता हूं अंडर रूट फोर और इसकी जो हमारा परपेंडिकुलर है इसको मैं मानता हूं यहां पर वन, तो मेरा यहां पर जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है वो मेरी निकल के आ जाएगी अंडर रूट फाइव। तो मैं इसको चेक करता हूं एक बार, हाइपोटेन्यूस हमारा कितना निकल के आने वाली है अंडर रूट फाइव। मैंने बेस को पुट किया अंडर रूट फोर का स्क्वायर प्लस इसको मैंने पुट किया वन का स्क्वायर, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5 निकल के आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हमें रिप्रेजेंटेशन करते टाइम पर केवल और केवल इसके हाइपोटेन्यूस से ही मतलब होता है, हाइपोटेन्यूस से ही हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद में जैसे मैंने बेस को यहां पर अंडर रूट फोर लिया था, अंडर रूट फोर का मतलब आपका हो गया टू, तो जैसे मैंने यहां पर अंडर रूट फोर को बेस लिया, बेस माना था, तो मैं बेस को यहां पर मान के चल देता हूं अंडर रूट फोर जो कि आपका इक्वल था टू के। तो यहां से बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक आपकी जो लेंथ है वो आपकी टू यूनिट्स के इक्वल है, या फिर आप बोलो अंडर रूट फोर यूनिट्स के इक्वल है। इसके बाद अगर मैं परपेंडिकुलर को यहां पर वन यूनिट के इक्वल ले लेता हूं तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद में जो मेरी हाइपोटेन्यूस यानी कि जो साइड ए बी होगी वो मेरा निकल के आ जाएगी अंडर रूट फाइव। बस मुझे इसी से बहुत ज्यादा काम था, अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के बाद में ही आपका आंसर बिल्कुल हो जाता है खत्म। बस थोड़ा सा आपको कंपास की हेल्प लेनी है और फाइनल आंसर की ओर आपको बढ़ना है। अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के बाद में आपको करना है बी पॉइंट पे आपको कंपास के निडल पॉइंट को रखना है और ए पॉइंट पे आपको रख देना है इसके पेंसिल वाले पॉइंट को, और अपनी कंपास के अंदर जो ए बी लेंथ हमारी थी उसको आपको कर लेना है फिल, और फिल करने के बाद में बी पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानते हुए आपको नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देनी है, एक कट लगा देना है जिससे आपको एक पॉइंट यहां पर पता लगेगा जिसको हम नाम दे सकते हैं पॉइंट डी,
और ये जो डी पॉइंट आपका होगा यही हमारा होगा अंडर रूट 5। ये जो बी से लेकर आपका डी तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा होने वाला है अंडर रूट 5। इसको आप बोल सकते हो अंडर रूट 5। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है, बेस और परपेंडिकुलर को क्या मान के चलना है ताकि आपका हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 5 के इक्वल आ सके। तो मैंने यहां पर बेस को माना अंडर रूट 4 यानी कि 2 और परपेंडिकुलर को मैंने माना 1। और जब मैंने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया तो मेरा हाइपोटेन्यूस यहां से अंडर रूट 5 निकल के आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने देखा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जो मैंने यहां पर बेस को अंडर रूट 4 लिया था, मैंने बेस को अंडर रूट 4 लिया, परपेंडिकुलर को मैंने 1 लिया, तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में जो मेरा हाइपोटेन्यूस था वो अंडर रूट 5 निकल के आ गया। और अंडर रूट 5 की जो मेरी लेंथ थी इसको मैंने कंपास के अंदर फिल किया, बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने नंबर लाइन के ऊपर एक आर्क लगाई, एक कट लगाया जिसको मैंने नाम दिया डी, और जो ये हमारा डी पॉइंट था यही हमारा क्या था अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में। थैंक यू।